पर आई हमरा मौका दलन और एक नमहर मंच जे देश के राजधानी दिल्ली में आई हम एक पंचायत के अध्यक्ष से पार्लियामेंट पहुँचे के मौका भेटल और हमरा एठा मौका दलन हम धन्यवाद दे परम आदरणीय जे राजनीतिक गार्जियन हमरा सबके प्रभात झा जी जे एठम राज्यसभा ही नहीं मध्य प्रदेश के भी कै बेर अध्यक्ष रह के उनका मौका भेटलन और जहन राज्यसभा में मिथिला के बात के उठबे तो फिर संपूर्ण देश में मिथिला के लोग जाने समझे बुझे और मिथिला के प्रशंसा करे एहन आई सीतामढ़ी के धाम में पुनरा धाम में आई आदरणीय नड्डा जी से घोषणा करवेलखिन हन से अहाँ सबक बीच में एहन आदरणीय प्रभात झा जी हमरा बीच में छथि हमर आदरणीय नड्डा साहब आयल छला हन और बहुत बात कह दलन कम शब्द में और मिथिला में अहू सबके प्रणाम करै छी ई कह के संबोधनों मैथिली में कह दलन ई मामूली बात नहीं हमरा बीच में तमाम गणमान्य व्यक्ति बहुत क्यों चल गए बहुत क्यों चल गए लेकिन हम कह चाहे छी जे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मैथिली के अष्टम अनुसूची में डलन और निर्मली भवत्याही महासेतु के मिथिला 34 के भूकंप में जे दू भाग में भेल छल तकरा वाजपेयी प्रधानमंत्री काल में जाके ओकरा जोड़े के काज करें लेकिन 2004 में जहन लोकसभा के चुनाव आयल तो ओहिठाम से के जीत गया एकरा हम याद करू ओहिठाम से जीत के जे व्यक्ति अलग से 2004 में मैथिली में शपथ ले ले नहीं तैयार भेलै और ओहि मिथिला क्षेत्र में मिथिला के लोग जे व्यक्ति के जीते के अली असरा फातमी जी शकील अहमद जी तस्लीमुद्दीन जी साहबुद्दीन जी जे व्यक्ति ओहि समय में जीत के मिथिला से आयल 2004 में क्यों व्यक्ति शपथ नहीं लेलक हमरा मिथिला के तोहनी भेल और केंद्रीय स्तर पर एक बात के बहुत चर्चा भेल जे मैथिली को हमने अष्टम अनुसूची में देने का काम किया और यदि वही 22 लोकसभा जे मिथिला हमारे वही में 3 एमपी हमारे आयल रहे अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने और मिथिला के बाढ़ और सुखाड़ जे संकट चल हन तकरा से निदान दियाबे मिथिला के असली यदि ये देश के प्रधानमंत्री क्यों बुझे वाला भले अटल बिहारी वाजपेयी और दोसर प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जे आई पाग पर रहा अखन सम्मानित मिथिला के जे पाग है हमार नागार्जुन कहे छला जे हमरा एकेटा अभिलाषा रह गेल जे हमर पाग सबके माथा पर विश्व के सबक माथा पर हमर पाग जाए और ए पाग पर डाक टिकट परम आदरणीय नरेंद्र मोदी हमरा दलन और आई मखान के वास्ते वो ग्लोबल मार्केटिंग के वास्ते परचेजिंग के वास्ते वो लागल छे मिथिला के कल्याण यदि मखानक खेती है तो अगर कल्याण है आई हम ओहिठाम लागल छी आय उड़ान योजना प्रधानमंत्री जी कहे छे हवाई चप्पल पहन के मिथिला के लोग महानगर का सफर तय करे और मार्च तक निश्चित रूप से लगातार हमू लागल छी और लोकसभा में उठेलो हन 131 करोड़ वही उड़ान योजना एयरपोर्ट के वास्ते विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा में बने एक प्रस्ताव हम दलो भारत सरकार में विद्यापति जी के नाम से एयरपोर्ट हो और मार्च तक अहाँ के एयरपोर्ट निश्चित रूप से ओहिठाम से चालू है और एम्स आदरणीय नड्डा जी जहन स्वास्थ्य मंत्री रह तब दोसर एम्स जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दलखी तो हम सब मांग के रही जो वो एम्स उत्तर बिहार यानी मिथिला में वो एम्स का निर्माण भला से 22 जिला मिथिला उत्तर बिहार और 14 जिला नेपाल के लोग 36 जिला के वास्ते ये भाई दान भ जेते और आज तो दरभंगा DMCH में न्यूरो और हार्ट का डॉक्टर विभाग नहीं है और एम्स भला से 36 जिला ऐसे उपकृत है हम तो मांग कर चाहलो हन ये बाढ़ से अस्थायी निदान निश्चित रूप से आई लोकसभा में बाजे के मौका भेटल तो ओहिठाम का कल्याण के वास्ते मिथिला ले आई बाढ़ का अस्थायी निदान Thank you.
दरभंगा राज मैदान जो बिहार में एक खेल मैदान अंतर्राष्ट्रीय नहीं, जहां दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी देने तो वही राज मैदान के अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बने दे, दुनिया के खिलाड़ी और मिथिला के धरती पर आवे, यो मांग हम रखल हन। बंधुवन हम मांग कल हे हाईकोर्ट के बेंच दरभंगा में होना चाहिए। हाईकोर्ट के बेंच भेला से संपूर्ण बिहार के गंगा के ए पार 16 जिला और गंगा के ए पार 22 जिला, वही 22 जिला के लोग के निश्चित रूप से लाखों केस वो अपन ओहिठाम दरभंगा हाईकोर्ट में आबि के संभाल सकैया, कह सकैया, ओकरा कम खर्चा पर न्याय भेट सकैया। तो बहुत किछ वही मिथिला के करना है, लेकिन मिथिला वासी के ऐ बात के मन बनाना चाहिए कि लगातार जे सत्ता और शासन में व्यक्ति रहला वो हमरा की दलन। आए यदि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी मुख्यमंत्री छे तो द्वितीय राजभाषा वो मैथिली हमरा झारखंड में बनेले छे। और वो दिन दूर नहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का सरकार में यदि आवे तो द्वितीय राजभाषा ऐ दिल्ली प्रदेश में भी मैथिली है। कि हम वहाँ के कहा चाहे कि मैथिली दिल्ली प्रदेश का द्वितीय राजभाषा, मैथिली झारखंड का द्वितीय भाषा, मैथिली और मिथिला। आज यहाँ जतेक मिथिला क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर अहाँ जाए सबठा मैथिली में उद्घोष भैया। आज दूरभाष पर मोबाइल में मैथिली में उद्घोष होइया और मिथिला पेंटिंग मधुबनी में और मिथिला के मिथिला पेंटिंग पूरा देश में आए एक आइकॉन बन के तैयार भ गया हन। मिथिला में मामूली प्रतिभा नहीं है, मिथिला के IAS IPS BPSC UPSC मैथिली क के अष्टम अनुसूची के बाद राजस्थान के बच्चा भी मैथिली रह के IAS कलक, महाराष्ट्र के बच्चा भी मैथिली रह के IAS करी है। और मिथिला में तो एक बहुत बड़ा अटल जी विषय द के चल गए छथिन, लेकिन हमरा सबके समझना छे जे व्यक्ति मिथिला के वास्ते काज करे, जे व्यक्ति मिथिला के प्रति सहानुभूति रखे, ओकरे हम सब शासन और सत्ता में लाबी ई संकल्प करे के हमरा सबके दुनू हाथ उठा के संकल्प करना चाहिए। जो वह व्यक्ति हमर राज करे, जे हमर हित करे, जे हमर हित सोचे। और बहुत बात भ गेल, हम तो लोग के कहे छी मन से जे भाई हाँ सब आदमी हाथ उठाओ, जे हमर हित सोचत ओकरे हम सब ओकरे राज आनब, और जे हमर हित नहीं करत ओकरा हम सत्ता से हटबे के काज करब। तो बंधुगण बहुत विषय करना रहे, अखन नड्डा जी चल गए किछ विषय तो नड्डा जी से हम मांग करती हैं, लेकिन बैसलो बैसलो एम्स का हम बात उठा दलो, यहाँ एम्स मिथिला में दे दियो, चूँकि अठम का एम्स के जे हाल हो चे। और हम जे जनप्रतिनिधि अहाँ के आशीर्वाद से अलौ हन और अठम अलौ तो हम पियर धोती पाग चादर मखान के माला, और जहन हम सदन में गेल नहीं तो हमरा पूछल ये क्या है, हम कहलिए नहीं समझोगे, ई सिर्फ मिथिले में होता है, ई स्वर्ग में नहीं मिलने वाला है। और वही मखान पर प्रधानमंत्री कहा देख लियो जो हर वक्तव्य अलन हन, जे मखान लोग कते ग्रास चिंतित है। आज सिंचाई योजना के तहत तीन हम सब धूर बनवे छे और धूर 3 फीट ऊंचाई कर देवे और मखान के खेती करे लागब, तो आई जे करोड़ के लोग मिथिला के महानगर में डंडा लग उगेर रहल हन ओकरा ओगड़ा नहीं पड़ते, ओकरा 5 किलो यदि उपजा लेते तो 10,000 रुपया ओकरा भ जेते कि नहीं भ जेते। आई मखान पर हम सब काज कर रहल छी, मखान के हम सब तो चाहब जे एकर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, बहुत विषय करना है। हम सब बैसब समय कम है, अहू सब अखन दोसर मूड में आबि गेल हैं, लेकिन हम तो कहे छी आज विजय बाबू जे कार्यक्रम रखलन हन विश्व मैथिली सम्मेलन, निश्चित रूप से हमार जतो अहाँ के समय के जरूरी है और मिथिला के वास्ते हमार तन समर्पित मन समर्पित जीवन समर्पित मिथिला मिथिला मैथिली मैथिली के वास्ते हम कतौ पैर पाछू नहीं कर सकै छी।
चाहे हमरा ओहिमे जतेक कुर्बानी देबऽ पड़त, हम अहाँके बीचमे कहऽ चाहै छी ओ कुर्बानी हम दै लए तैयार छी। अहाँ हमर उपयोग करी, हमर अहाँ सहयोग ली और ओहि मिथिलाके जतेक प्रगति हेतै ओहि प्रगतिमे हम अहाँके दिन और राति